खबर अब ड्रामा क्वीन राखी सावंत से जुड़ी हुई है। यूं तो विवादों से पुराना नाता है, लेकिन एक बार फिर से विवादों में है राखी सावंत। और अभी सुप्रीम कोर्ट से झटका मिल गया है राखी सावंत को, ये इस वक्त का ताजा अपडेट है, क्योंकि गिरफ्तारी का डर था और इसीलिए राखी सावंत ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया था। और अभी अभी का ताजा अपडेट ये मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से राखी सावंत को झटका मिला है। दरअसल राखी सावंत ने आरोप अपने एक्स हस्बैंड आदिल दुरानी पर बहुत से लगाए थे, जिसमें एक आरोप ये भी था कि जो निजी मोमेंट है, जो निजी पल हैं, ऐसे कई वीडियोस हैं जो कि आदिल दुरानी ने लीक कर दिए हैं। अब आदिल दुरानी ने जवाब में ये कहा है उल्टा राखी सावंत पर आरोप लगाते हुए कि राखी सावंत ने आदिल दुरानी के प्राइवेट वीडियोस जो हैं वो लीक किए हैं। अब ऐसे में राखी सावंत को गिरफ्तारी का डर सता रहा था, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। और अभी अभी जो ताजा अपडेट मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने राखी सावंत की याचिका को खारिज कर दिया है। ये इस वक्त का ताजा अपडेट है। और सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने के लिए भी कहा है राखी सावंत को, यानी जो डर था राखी सावंत को, निचली अदालत में सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। राखी सावंत को डर था गिरफ्तारी का, राखी सावंत को डर था कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जब वो आरोप लगाने पर आती हैं तो उलझुलूल बयान उनकी तरफ से दिए जाते हैं और कई गंभीर आरोप उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड आदिल दुरानी पर लगाए, जिसके चलते जेल भी जाना पड़ा था आदिल दुरानी को। हालांकि कुछ महीनों बाद वो जेल से छूट गए थे और फिर उन्होंने दूसरी लड़की के साथ शादी कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने राखी सावंत की याचिका को खारिज कर दिया है और राखी सावंत से कहा है 4 हफ्ते में सरेंडर कीजिए। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट राखी सावंत से जुड़ा हुआ है। राखी सावंत जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, याचिका लगाई थी, लेकिन राखी सावंत को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। राखी सावंत की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए राखी सावंत को कहा है और ये कहा है सीधा हमारे पास मत आइए, निचली अदालत में जाकर आप सरेंडर कीजिए। और 4 हफ्ते का समय सिर्फ राखी सावंत को दिया गया है, यानी कि पहले आरोप लगाए, फिर आरोपों के चक्कर में खुद ही फंस गई हैं राखी सावंत, क्योंकि आदिल दुरानी जो एक्स हस्बैंड है वो सीधे सीधे राखी सावंत पर आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके जो प्राइवेट वीडियोस हैं वो राखी सावंत ने लीक कर दिए हैं, जबकि राखी सावंत ये आरोप अपने एक्स हस्बैंड आदिल दुरानी पर लगा रही थी। लेकिन अभी का ताजा अपडेट ये, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से लगा है अभिनेत्री राखी सावंत को बड़ा झटका और अब निचली अदालत में 4 हफ्ते के भीतर करना पड़ेगा सरेंडर। हालांकि जिस तरीके से राखी सावंत बोलती हैं, आरोप बहुत से लगाती हैं एक्स हस्बैंड पर, सिर्फ प्राइवेट वीडियोस लीक करने के ही नहीं बल्कि उससे अलग भी कई अलग अलग तरीके के आरोप उन्होंने लगाए थे। आशीष सिन्हा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आशीष, बड़ी उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से, राखी सावंत को झटका लगा है? बड़ा झटका है, क्योंकि अब राखी सावंत को सरेंडर करना पड़ेगा निचली अदालत में, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का ऑपरेटिव पार्ट था। हालांकि डिटेल ऑर्डर का भी इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी अहम बात, ये प्रक्रिया होती है, अगर आप निचली अदालत में अपने आप को सरेंडर करते हो तो वहां पर आप अपनी जमानत अर्जी जो है वो मूव कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि राखी सावंत आज ही गिरफ्तार हो जाएगी। अदालत ने राखी सावंत को 4 हफ्ते का मौका दिया है, यानी 4 हफ्तों तक राखी सावंत को पुलिस जो है वो गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। 4 हफ्तों के भीतर उन्हें अदालत में सरेंडर करना पड़ेगा। नियम यह है कि जब भी एक अक्यूज जो है वो अदालत में सरेंडर करता है तो उसके पास एक लिबर्टी रहती है कि वो अपनी जमानत अर्जी जो है वो अदालत में दाखिल कर सकता है। उसके बाद अदालत ये तय करती है कि इन्हें जमानत दी जाए या नहीं। राखी सावंत के पास कानूनी विकल्प अभी भी बचे हुए हैं, फौरी राहत, फौरी झटका मैं इसे कहूंगा, क्योंकि ये मिक्स है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों की प्रोडिक्शन तो दी है, यानी आज की तारीख में राखी सावंत गिरफ्तार नहीं होंगी, लेकिन निचली अदालत में सरेंडर होने के बाद उन्हें निचली अदालत से जमानत भी लेनी पड़ेगी और सब कुछ निर्भर करेगा कि निचली अदालत में जो सुनवाई होने वाली है उसमें क्या राखी सावंत को जमानत मिलेगी या नहीं। ठीक है, नजर आप रखिएगा आशीष, चूंकि अब 4 हफ्ते का वक्त दे दिया है निचली अदालत में सरेंडर करने के लिए। आपने कहा जमानत का ऑप्शन रहता है, अगर सरेंडर करने जाते हैं तो अपनी कानूनी तैयारियों के साथ जा सकते हैं। आगे राखी सावंत क्या ऑप्शन ऑप्ट करती हैं, क्या कोर्ट की तरफ से आगे रुख रहता है, नजर आप रखिएगा। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका आशीष, इस जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।